हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2023 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। तो पासिंग मार्क्स में आप सभी लोगों का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया पासिंग मार्क्स पर जो है वीडियो बना दीजिए। और जैसा कि मैं आप सभी लोगों को हर एक वीडियो में बोलता हूं कि आपके कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए बोर्ड एग्जाम 23 में। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने डाउट्स या कुछ भी आपको ऐसा क्वेश्चन है, कुछ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट करना। आपके कमेंट को पिक करेंगे और हो सके तो हम उसे स्क्रीन पर हाईलाइट भी करेंगे ताकि और भी स्टूडेंट आप लोगों की तरह अपने डाउट्स को यहाँ पे बता सके। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पासिंग मार्क्स को लेकर फॉर बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 जो कि 2023 में अपीयर होंगे। ईच सब्जेक्ट में अगर आप कितना स्कोर करेंगे तो आप पास होंगे। जी हाँ, मैं पूरा लिस्ट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता है क्लास 10 और क्लास 12 में से अगर किसी को प्रायोरिटी दिया जाता है सबसे ज़्यादा तो वो है क्लास 10। क्लास 10 जैसे कि नए स्टूडेंट होते हैं, नए स्टूडेंट इन अ सेंस फर्स्ट टाइम बोर्ड में अपीयर हो रहे होते हैं, तो उनको क्लास 12 के कंपेयर में बहुत सारे फैसिलिटीज दिए जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा फैसिलिटी ये दिया जाता है कि आप लोगों को क्लास 10 12 को 33% आना चाहिए तभी आप पास होंगे। 33 मार्क्स आपके आने चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे, आप पास होंगे। अब 33 के लिए जो है आप लोगों को 26.5 मार्क्स स्कोर करना है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 100 से डिवाइड करके इंटू करके तो आपको जो है 26.5, विच मीन्स अगर आप 80 मार्क्स का पेपर देंगे तो आपको 26 मार्क्स चाहिए। 100 मार्क्स का जब पेपर होगा तो 33 मार्क्स चाहिए, और अगर 70 मार्क्स का पेपर होगा तो 21 मार्क्स चाहिए। अब इसका प्रोसीजर एक अलग है। क्लास 10 को प्रोजेक्ट मिलाकर, प्रोजेक्ट का मार्क्स मिलाकर और जो वो रिटर्न एग्जाम देंगे उसे दोनों को मिलाकर 33% आना चाहिए, और क्लास 12 को अकेले 33% लाना है, बोथ इन प्रैक्टिकल बोथ इन थ्योरी। थोड़ी सी मुश्किल है क्लास 12 के लिए, बट उतना भी नहीं, बहुत इजी है। और भी आप लोगों को सैंपल समझाना चाहूँगा। हालांकि मार्किंग स्कीम के ऊपर पूरा एक PDF CBSE ने रखा है और हर एक रूल्स सेम रखे हैं पहले जैसे, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा बाप रे 26 मार्क्स, बाप रे 33 मार्क्स कैसे स्कोर होगा, बहुत इजीली होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो छोटी सी लर्निंग एप्लीकेशन वीडियो में सारा अपडेट अभी आपको दे देता हूं। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। अपना कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सल्यूशन। उसी आप मैं कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतने सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, आस्क फिलो। You can also download this application using our QR code. So hurry up, get benefit now. Ask below. तो मान लो मेरे प्यारे दोस्तों, आप रिटन पेपर का एग्जाम देने गए और आपको 80 मार्क्स का पेपर रिटन देना है ईच सब्जेक्ट, और आपको स्कोर आया है 24-25, आप पास नहीं हो पाए हैं। हालांकि आपको सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी लागू कर दिया है 2023 में, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। अगर आप 1-2 मार्क्स से फेल होंगे तो आपको ग्रेस करके पास कराया जाएगा। लेकिन इन केस ऐसा भी होता है कि कभी कभी 5 मार्क्स तक ग्रेस नहीं मिलेगा, तब यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट मार्क्स जुड़ते हैं और आप पास होते हैं। मैं क्लास 10 की बात कर रहा हूँ। क्लास 12 में 33, बाप रे 33 ऐसे लगेगा, तो ऐसा भी नहीं है 33 मार्क्स। अब मान लीजिए आपके कई सारे पेपर 70 मार्क्स के होते हैं क्लास 12 में, तो 70 मार्क्स और 30 मार्क्स का आपका जो प्रोजेक्ट होता है, मतलब आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल तो आप इजीली पास हो जाते हैं ड्यू टू योर स्कूल कंसल्टेंट्स, और जो भी हैं आपके स्कूल के भाई थोड़े बहुत तो दया दिखाई देते हैं, तो आप उसमें निकल जाओगे। रह गया थ्योरी, तो 70 मार्क्स में से आप 20 मार्क्स नहीं ला सकते हैं। वो तो अगर आपको कुछ आता भी नहीं है और आप 80 मार्क्स अटेम्प्ट करके आए हो तो आप मिलकर 20 मार्क्स उठा लोगे। बस रिलेटेड टॉपिक लिखना चाहिए, थोड़ा बहुत गलत से भी होगा आपको मार्क्स मिलेगा।
तो पासिंग क्राइटेरिया सीबीएसई ने सेम रखा है, कोई चेंजेस नहीं किए हैं, पहले जैसा है और पहले जैसे में बहुत लड़के पास होते हैं। हालांकि इस बार एक कंफ्यूजन था, उलझन था, टर्म वन टर्म टू ऐड होगा नहीं होगा, वेटेज होगा नहीं होगा, ऐसे कर करके गाड़ी आगे पीछे हो रही थी, इसी के वजह से बच्चे कंफ्यूज थे और प्रॉब्लम में पड़ गए थे। लेकिन इस बार पूरा क्लियरेंस है, सब कुछ इजी वे में चलने वाला है, बट आपको स्मार्टनेस दिखाना होगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आप जरूर लाइक करें, हर एक अपडेट्स यहाँ पे मिलती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना कि फ्यूचर में आप अपडेटेड रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।